हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेट नाइट थॉट। देखेंगे आपके पर्सन के क्या हैं, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं रीडिंग। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें। और पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग पेड होती है। और रीडिंग व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। बताएं उस पर्सन के मन में, जिस पर्सन को लेके मेरे व्यूवर्स रीडिंग देखना चाहते हैं, उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है। ओके, टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, एंड बॉटम से आता है नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन एंजल, प्लीज़ गाइड करें, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। ओके, सो वी हैव अबेंडेंस, कंट्रोल, टर्निंग इन, लेटिंग गो एंड दी ट्रैवलिंग। ओके, सो ये है व्यूअर्स आपके लिए कार्ड। बॉटम से आता है अवेयरनेस। ओके, सो सबसे पहले राशि की बात करेंगे। राशि मुझे यहाँ पे मिल रही है मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है और कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। तो सारी ही राशि व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, सो व्यूवर्स देखो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप में एक वक्त ऐसा भी आया था जब आपका जो रिश्ता था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका था। आपको लगने लगा था कि आपकी लाइफ के अंदर अब ये रिश्ता आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला, जैसे कि एक मैच्योरिटी हो गई हो, कुछ चीज़ें अचीव हो गई हो, कुछ अचीवमेंट्स आपको मिल गए हो, लाइफ सेटल हो गई हो, एक इस तरह की लाइफ में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं देखती हूँ, जहाँ पर आप बेफिक्र थे, आपको लगने लगा था कि अब लाइफ मेरी मतलब बिल्कुल सेटल हो चुकी है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, ये जो पर्सन है मेरी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाला है, या इसका दिमाग, इसका जो दिल है वो किसी और पर नहीं आने वाला है, राइट और ये जो पर्सन है वो मेरे लिए लॉयल रहेंगे। आप उसको इन्जॉय करते थे, जैसे अपने रिलेशनशिप को आप मुझे यहाँ पे इन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस दौरान में देखते व्यूवर्स कि जहाँ पर आप अपने अपने कनेक्शन को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं ना, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ लुकिंग आउट कर रहे थे, मे बी कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे जो इनको जॉय कर सके। क्योंकि समवेयर व्यूवर्स ऐसा नज़र आता है कि जहाँ पर आपका एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बन चुका था कि आप अपनी लाइफ में सेटल महसूस कर रहे थे खुद को, या फिर ऐसा महसूस कर रहे थे अब मेरी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी मेरी कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगी। लेकिन मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, आपके पर्सन की लाइफ में उस वक्त मतलब इनको सडन ऐसे लगने लगता है जिस लाइक का एडजॉक्स हो जाना, बहुत ज़्यादा लाइफ रूटीन में आ गई है, वही रूटीन वर्क चल रहा है और कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में हैंडल नहीं हो पा रही हैं, या फिर इस पर्सन को कुछ नया करना था अपनी लाइफ के अंदर। ये पर्सन व्यूवर्स करते क्या हैं, आपके अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में जाना, या कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ तलाशना, या किसी पर्सन की तरफ सफ़रिंग करना, जैसे सोशल मीडिया पे सफ़रिंग करना या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो जाना। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व हुए हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर उस लाइफ के अंदर कदम रखा। और ऐसा जब आपको पता चला, जब आपने देखा कि ये जो पर्सन है भाई, ये जो पर्सन है इनका अब मेरे साथ में तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है, और ये जो पर्सन इस कनेक्शन को एज ए बर्डन की तरह ले रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको एक बोझ समझ रहे हैं, आपके साथ में इस पर्सन का जो रहना है वो कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता चला जा रहा है। आप इस पर्सन को, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे थे कि भाई जैसे समझा लो, संभाल लो, या फिर कहीं ना कहीं इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे लुकआउट करना, वॉच आउट करना, देखना कि भाई ये जो पर्सन है ये सडन इनका माइंड कैसे बदल जाता है, ये क्या करने लग गए हैं ऐसा कि जिसकी वजह से जो मेरी एक बनी बनाई जो स्थिति थी एक रिलैक्स वाली, वो यहाँ पर ख़राब होने लगती है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि यस, ये जो पर्सन है जो इस तरह की सफ़रिंग वगैरह कर रहे थे सोशल मीडिया पे, या किसी के साथ में कनेक्ट होना, किसी के साथ में जुड़ जाना, आज आपके पर्सन व्यूवर्स इसी वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस कर रहे हैं।
ठीक है, ये गए तो थे ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ में कि इनको मतलब लाइफ इंजॉय करने को मिलेगी, या इनके जो बोरिंग से लाइफ हो गई, या समवेयर दे फील लाइक रिलेशनशिप बिकम बोरिंग डे बाय डे, मतलब वही डेली का टास्क है, वही डेली की बातें हैं, वही डेली का रूटीन है, कुछ नया नहीं है, तो आपके पर्सन कुछ नया तलाशने जो जाते हैं वही इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब मैं यहाँ पर देख रही व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है इसको आप जितना समझा सकते थे आपने समझाने की कोशिश बेहद करी है, अपने एफर्ट जितना आप लगा सकते थे अपने लगाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप अपने काम से काम यहाँ पे रख रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, जैसे खुद में सिमट जाना, खुद में खो जाना, खुद के लिए कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि कोई फोबिया, कोई डर आप अपनी लाइफ का अवॉइड कर रहे हैं, कुछ बातें जिससे आप डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पर एनर्जी गाइज मिल रही है कि अब आपने इस पर्सन को जैसे समझाना, संभालना और कहीं ना कहीं बात करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे बंद कर दी हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है जब से आपने ये सब करना स्टार्ट किया है अपने पर्सन से, जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन किया है और अपने काम से काम रखना स्टार्ट कर दिया है, दूसरों की बातें सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, इस पर्सन की बातों में मतलब इस पर्सन के बारे में जानना भी व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन सोशल मीडिया पे किस समय एक्टिव हैं, किस समय एक्टिव नहीं है, ऑनलाइन है या नहीं है, किससे बात कर रहे हैं, इनका स्टेटस क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें आपने इस पर्सन का जैसे कहते ना खोज खबर रखना वो बंद कर दिया। मे बी अपने करियर पर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा नज़र आ रहा है जब जब आपने ऐसा ऐसा किया है, राइट। तो आपके पर्सन ने आपका ये एटीट्यूड बिहेवियर बहुत नोटिस किया है, और आपका व्यूअर्स बिहेवियर और एटीट्यूड नोटिस करने के साथ साथ आपके पर्सन ने मैंने ये देखा कि जब जब आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी ना, इस पर्सन ने आपको उल्टे वचन बोले, जैसे कि बहुत तीखा बोल देना, बहुत रूड बोल देना, कहीं ना कहीं मतलब एलिगेशन आप पे भी लगाना या फिर आपका दिल तोड़ देना इस पर्सन ने किया, ठीक है। तो कुछ बातें व्यूअर्स इस पर्सन ने ऐसी की हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इस पर्सन का मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं थी करी थी कि ये जो पर्सन मुझे ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे में व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है जब आपके पर्सन ने आपको ऐसा बोला तो आपने भी इनको रिवर्स में कुछ बोला, ऐसा नहीं है कि आपने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल आपने जवाब दिया है। तो आपने जो अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या फिर अपने रिश्ते के लिए इस पर्सन को जो भी बोला है, ये पर्सन उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर जैसे ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उस बात को बहुत स्ट्रांगली ले गए हैं कि आपने उनको ऐसा क्यों बोला, उसको ये बहुत ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन उसको रिथॉट करना, उस चीज़ को बार बार प्रोसेस करना और कुछ चीज़ें नई फाइंड आउट करना, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उस बात का इनके दिल पे, इनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और राइट नाउ व्यूअर्स मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन उन चीज़ों को लेकर जैसे स्टक हैं, ठीक है, कि यार ये पर्सन मुझे ऐसा कैसे बोलता, आप तो बोल के चुप हो गए, ठीक है। अब ये आपको अलग लग सकता है, कुछ लोगों से मे भी रेजोनेट हो लेकिन ये ना हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप तो बोल के चुप हो गए, आप तो अपनी लाइफ में फिर अपनी अपने ऊपर काम पे फोकस करने लगे, ये लेकिन ये जो पर्सन है इनका फोकस नहीं बन पा रहा अपनी लाइफ में अपने काम के ऊपर, और ये बार बार उस चीज़ को सोच के अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ रहे हैं उस बर्डन के साथ में कि यार वो इंसान मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है, ये कैसे बोल सकता है, उसने ऐसा बोला ना, ठीक है। मतलब इतना का फ्रस्ट्रेशन, इतना का मुझे गुस्सा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये जो अपनी लाइफ में फिलहाल उसी बात पे स्टक हो गए, उसी बात पे स्टक हो गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना तो लेट गो कर पा रहे हैं, ना इस बात को उस बात के साथ में आगे बढ़ पा रहे हैं। जैसे फॉरगेट करना इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मैं देख रही हूँ व्यूअर्स ये जो पर्सन है ये आपको इस बात का जवाब देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे बोलना चाहते हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपने जो बोला है, ठीक है, आपने जो बोला है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल पर लग गया है, ठीक है। तो एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि आपको भी इस चीज़ का अनुमान है, अभी अवेयरनेस है कुछ लोगों को, देखिए भी हर एक से बात रेजोनेट ना हो, लेकिन नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है आपके ऊपर मुझे मतलब अपने बातों से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी भड़ास जैसे निकालना चाहते हो और आप इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हो, मुझे ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर मिल रही है। और ये पर्सन व्यूअर्स एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आता है कि भाई ये जो पर्सन है ये आपके साथ में उस समय जैसा भी जो भी कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये जो पर्सन आपकी तरफ एक प्यार का कप लेके आना चाहते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स आपके साथ में एक्सप्रेस करना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं तरह से नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स। सबसे अब तक इस पर्सन के दिल में और दिमाग में वही सब कुछ चलता चला जा रहा है, ना तो पर्सन सही से रह पाते हैं, ना उठ पाते, ना सो पाते, कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि इस पर्सन का जो राइट नाउ का फोकस है वो भी ऐसा नज़र आता है कि अब वो थर्ड पार्टी के ऊपर
इतना नहीं है जितना आपकी बातों के ऊपर या फिर आपकी एनर्जी के ऊपर आके स्टक हो गया है, या रात दिन सोते जाते हो, जागते उठते बैठते हमेशा हर समय आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को कहीं ना कहीं इस पर्सन की नज़रें जो हैं वो मुझे यहाँ पर तलाश करती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि दे आर लुकिंग आउट फॉर यू, हर जगह आपको तलाशना या फिर कहीं ना कहीं आपको वॉच आउट करना इस पर्सन की एक्टिविटीज़ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में उस समय जो भी हुआ हो, लेकिन हाँ यहाँ पर ये भी ज़रूर है कि अब आपके पर्सन आपके साथ में या तो चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और कुछ बातें यहाँ पे क्लियर भी करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेस है आपको भी, और अब आपको भी पता है कि जो भी हालात कहीं ना कहीं रहे या फिर आपने जिस वजह से बोला वो उस समय टाइम कैसा था, किस क्या हालात थे, कैसी एनर्जी थी, तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि राइट नाउ आपके पर्सन इन सारी सिचुएशन से जैसे ओवरकम करना चाहते हैं, क्योंकि अपने दिल में चाहे फ्रस्ट्रेशन रखी हो, चाहे इस पर्सन ने गुस्सा रखा हो, चाहे प्यार रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ इस पर्सन को अब यहाँ पे आके परेशान करने लगी, क्योंकि अब आपके पर्सन इन चीज़ों को और ज़्यादा वियर अप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। दे वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, दे वॉन्ट टू रिग्रेट, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर आपसे, और इन चीज़ों के बावजूद यहाँ पर आपके साथ में एक नई शुरुआत आपके पर्सन करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो चलिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पर देख लेते हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके आज रात के चैनल मैसेज किया है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स उनके चैनल मैसेज मुझे बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, ये आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बस तलाश है आपकी, यहाँ पे वो मैसेज आया आपके लिए। आई हाइड हु आई रियली फ्रॉम यू, इन्होंने अपने आप को छुपाया कि ये क्या कर रहे थे, क्या इनकी लाइफ में था, क्या इनके मन में था। ठीक है, इनकी एक्टिविटीज़, इनकी पर्सनैलिटी इन्होंने आपसे छुपाई, बात करी। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, इनसे दूर हो रहे हो, इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। द टाइमिंग जस्ट वॉजेंट राइट फॉर अस, हमारे बीच में यानी आप दोनों के बीच में उस समय जो भी कुछ हुआ वो टाइमिंग अच्छी नहीं थी, वो उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट पे वर्स्ट होती चली गई, मतलब संभाल ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जैसे अगर एग्रेसिव एनर्जी है तो एग्रेसिव, अगर नेचुरल एनर्जी है तो नेचुरल, तो जैसा फ्लो था वैसे ही पर्सन ने काम किया, उसका जैसा दिमाग काम किया। आई लव यू, ये आपको यहाँ पर प्यार भी कर रहे हैं। ओके, दिस इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये चाहते हैं कि आप को हील करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इट्स हील जो एनर्जी है वो उसके इस पर्सन के लिए है, यानी ये जो पर्सन है ये तब से अब तक खुद को हील नहीं कर पाए हैं, ये तब से अब तक उन्हीं बातों में अटके हुए, उन्हीं सारी सिचुएशन में अटके हुए, उनसे बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन से ये बाहर निकले, हील करें। ओके, तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई, सो अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें व्यूअर्स। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।